खबर नागौर से है, जहां नगर परिषद चुनाव को लेकर पार्षद उम्मीदवारों ने उपखंड कार्यालय में नामांकन जमा किया है। नगर परिषद चुनाव को लेकर पार्षद उम्मीदवारों ने उपखंड कार्यालय में नामांकन जमा किए। ढेरों की संख्या में उपखंड कार्यालय में भीड़ जमा हुई है। नागौर एसडीएम अमित चौधरी ने पत्रकारों को रोका कि कवरेज करने के लिए रोका गया है। कोविड-19 के नियमों की भी यहां पर पालना नहीं हो रही है, इसलिए एसडीएम नागौर ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका है। अच्छा, आगामी आपके वार्ड का जो विकास है उसके बारे में और हमारा विकास अच्छी तरह। हाँ जी, क्या नाम आपका? तकदीर बानो। कौन से वार्ड से आपने नामांकन किया है? अच्छा, आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? आपको क्या आप अपने वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं? आप वार्ड की जो जनता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने 5 साल भी ना कांग्रेस सिंबल से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस सिंबल से चुनाव लड़ा था और मैंने जो समाज सेविका भी हूँ और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, महासचिव भी हूँ, भूमिका निभाई पूरी समाज सेविका से। अच्छा, आगामी आपके वार्ड का जो विकास है उसके बारे में और हमारा विकास अच्छी तरह से हो चुका है और आज। क्या नाम आपका? कौन से वार्ड से चुनाव? अच्छा, अपने चुनाव में जीत को लेकर आपका आगामी क्या है? अपने वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं आप? हम कहने में नहीं करने में यकीन करते हैं, इसलिए हम दावा नहीं करेंगे कि हम शिक्षित हैं, हम युवा हैं, क्योंकि अगर हम वार्ड में जिस वार्ड से हम खड़े हुए हैं तो हमें ये बताने की ज़रूरत क्या है कि हम शिक्षित हैं या युवा हैं। जो हमारे साथ रात दिन रहते हैं उनसे हम छुपे हुए नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे उनको कोई परिचय देना चाहिए। और बाकी सबका साथ रहा, सबका आशीर्वाद रहा, तो हम बहुत कुछ करने की योजना बना रहे हैं और आगे सबका साथ रहा तो आगे तक ले जाएंगे अपने वार्ड के विकास को ही नहीं, शहर।